हॉस्पिटल सेक्टर स्थित एचबीसी वॉलीबॉल ग्राउंड में शुक्रवार की शाम एचबीसी भिलाई के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी कुमारी आकांक्षा एवं कुमारी पलक हिरानी को सम्मानित किया गया। कुमारी आकांक्षा बनाफर एचबीसी और छत्तीसगढ़ राज्य की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस वर्ष बेंगलोर में भारतीय वरिष्ठ महिला वॉलीबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। वहीं कुमारी पलक हिरानी पहली एचबीसी वॉलीबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने 5 बार छत्तीसगढ़ राज्य वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया है और इस वर्ष इन्होंने नीट परीक्षा पास की है। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य सीजो एंथोनी, इंद्रजीत सिंह छोटू, सुधीर खंडेलवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक शामिल रहे। सर का बहुत सपोर्ट रहा है। सर सिर्फ वॉलीबॉल नहीं सिखाते हैं, सर हम लोग को लाइफ के बहुत सारे लेसन्स भी सिखाते हैं जो हमें थ्रू आउट दी लाइफ बहुत काम आने वाले हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ जितना भी है पेरेंट्स की वजह से और विनोद सर की वजह से। अभी जहाँ तक भी मैं पहुँच पाई हूँ वो सब विनोद सर और मेरे पेरेंट्स के लिए है। अभी सर मुझे स्टार्टिंग से बोलते थे कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रह के सर हम सबको बुलाते थे मगर वहाँ का हम आते नहीं थे क्योंकि हमें लगता था जितना है उतना हो जाएगा। बाहर जाने के बाद पता चला कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बस अब जैसे हम जैसी प्रैक्टिस चल रही है हमारी वैसे अब सीनियर लेवल का कैंप हमें जैसे मिला वैसे हम और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो सीनियर लेवल में आ सकते हैं। सहयोग जैसे सारे जितने कोचेस हैं वो हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं हमें गेम को लेके पढ़ाई को लेके सब को लेके कि दोनों बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए हमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं क्योंकि सिर्फ खेल के साथ आप एक लेवल तक ही जा सकते हैं। अगर आपकी दोनों चीज़ रहेगी तो आप थोड़ा ज़्यादा आगे उनके लिए कि एक वो लाइफ ही होती है हम जिस एज में हैं सबकी वैसी लाइफ होती है तो उन सब चीज़ को आप बैलेंस करके जितना चल पाएंगे स्पोर्ट्स पढ़ाई सब को लेके वो एक बैलेंस वे में होना चाहिए। गुड इवनिंग, मैं पलक हिरानी। मैं वॉलीबॉल स्टार्ट की जब मैं क्लास 8 में थी और मैंने 5 नेशनल खेले हैं। ये सारी चीज़ों का क्रेडिट सिर्फ सर को रहता है, विनोद सर को। वो मेहनत जो सर ने हमारे पीछे की है वो एक एक बच्चे को तलाशने में जो सर मेहनत करते हैं आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी मेहनत कर सकता है और उसके लिए हम सर का दिल से धन्यवाद करते हैं। इवन मेरी नीट की जर्नी में भी जब मैं ग्राउंड में कंटिन्यू नहीं थी तब भी सर का मेरे पास फ़ोन आता था, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड मुझसे पूछते थे। सर ने हर चीज़ में सपोर्ट किया, सिर्फ वॉलीबॉल नहीं ओवरऑल हर चीज़, किसी भी टाइप का कोई भी इशू सर का सपोर्ट हमेशा रहा। हाँ, वो निकालना पड़ता है जब कुछ करना होता है तो उस चीज़ का डेडिकेशन आता है। वॉलीबॉल में क्यों ना हो, जब हम खेलते भी हैं तब भी डेडिकेशन से खेलो तो खुद ही सारी चीज़ें होती हैं, मेहनत करनी पड़ती है बाकी तो।